भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लगभग 50% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को, 15% कंट्रीब्यूट करती है भारत के जीएसटी में, और लगभग 37 मिलियन लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पर पिछले 10 महीने से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालात पिछले 20 सालों में सबसे खराब है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमोबाइल के कुछ सेगमेंट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, सारे सेगमेंट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो। और इनमें से सबसे ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है कॉमर्शियल व्हीकल्स में। इस डाउनफॉल के चलते और लॉसेस से बचने के लिए भारत की सारी ऑटोमोबाइल कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कुछ दिनों के लिए बंद कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि अगर ये स्लो डाउन और कुछ महीनों तक चला तो 10-15% लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी जॉब खो देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑटो सेक्टर के करंट सिचुएशन के बारे में, डिक्लाइन होने के मेन रीजन के बारे में, और जानेंगे इसके सॉल्यूशन और फ्यूचर के बारे में। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर SIAM के मुताबिक अगस्त 2019 में डोमेस्टिक व्हीकल सेल्स लगभग 23.55% डिक्लाइन हुई है, जहां अगस्त 2018 में 23,82,436 यूनिट बिके थे, वहीं अगस्त 2019 में सिर्फ 18,21,490 यूनिट बिकी हैं। ट्रक और बस की सेल भी 39% ड्रॉप हुई है। टू व्हीलर सेल भी अगस्त 2019 में डिक्लाइन हुई है लगभग 22.24%। अगस्त 2018 में 19,47,304 यूनिट बिके थे, अगस्त 2019 में 15,14,196 यूनिट बिकी हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स की भी सेल डाउन हुई है 38.71%। अप्रैल से अगस्त के पीरियड को चेक किया जाए तो टोटल ऑटोमोबाइल सेल्स लगभग 15.89% ड्रॉप हुई है। वहीं अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 के बीच में 1,15,70,401 यूनिट की सेल्स हुई थी, वहीं अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 के बीच में 97,32,040 यूनिट की सिर्फ सेल्स हुई है। हाँ, मैं मानता हूं कि डीमोनेटाइजेशन से मार्केट से पैसा खत्म हो गया, लिक्विडिटी कम हो गई, पर उससे ऑटो सेक्टर में उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा। मैं बताता हूं आपको कैसे। डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016 को, तो तब से ऑटोमोबाइल सेक्टर के ग्रोथ का डाटा चेक करते हैं। तो इस डाटा में आप आराम से देख रहे हैं कि अक्टूबर 2018 तक सब कुछ ठीक था, मतलब 2 साल तक सब कुछ ठीक था ऑटो सेक्टर में। नवंबर 2018 से ऑटोमोबाइल सेक्टर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, फिर अप्रैल 2019 से ज्यादा डिक्लाइन होने लगा। तो मेन रीजन कुछ और ही है, और वो क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। जीएसटी आने से इंडियन गवर्नमेंट को खूब फायदा हुआ, नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़े, टैक्स अमाउंट बढ़ा, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आने लगी, पर उसे बहुत से सेक्टर में डाउनफॉल भी देखने को मिला है, और वो हुआ है रॉन्ग टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से। ऑटो सेक्टर को 28% के जीएसटी स्लैब में रख दिया, प्लस साथ में सेस भी देना पड़ता है, तो उससे क्या हुआ, गाड़ियों के प्राइस बढ़ गई और धीरे धीरे डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। पर कुछ लोग बोलेंगे कि जीएसटी तो जुलाई 2017 से आया था, उसके 1 साल तक तो डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। देखो, जो बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं वो अपना इम्पैक्ट धीरे धीरे डालते हैं। जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन आने से सेल्स गिरी, पर इतनी ज्यादा गिरने का कारण है एनबीएफसी क्राइसिस। आपको ये पता होगा कि इस टाइम भारत में एनबीएफसी और गवर्नमेंट बैंक क्राइसिस चल रहा है, और ये हुआ है एनपीए के बढ़ने के कारण। ऊट पटांग लोन बांट दिया और अब नतीजा भुगत रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर से क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में 60% कॉमर्शियल व्हीकल सेल्स, 70% टू व्हीलर सेल्स और 30% कार सेल फाइनेंस होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा। तो जब पैसा ही नहीं होगा गवर्नमेंट बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास देने को, तो लोग कहां से खरीदेंगे, क्योंकि भारत में आज भी बहुत से कम लोग हैं जो वन टाइम पे करते हैं जब कोई गाड़ी खरीदते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ा दिया गया, इंश्योरेंस कॉस्ट को भी बढ़ा दिया गया। गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल कंपनी को बोला कि वो BS4 की इंजन की गाड़ियों की डेट को कम कर रहे हैं, जिससे ऑटोमोबाइल कंपनी ने गाड़ी बनाना कम कर दिया, क्योंकि अप्रैल 2020 से BS6 इंजन की गाड़ियां आएंगी, जिससे कम पॉल्यूशन होगा। तो ये सारे रीजंस भी हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के डाउनफॉल होने के लिए। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उससे मार्केट में कैश की लिक्विडिटी कम हुई, फिर जीएसटी रेट के बढ़ने से प्राइस इंक्रीज हुई, फिर एनपीए बढ़ने से बैंक और एनबीएफसी
के पास पैसा ही नहीं था लोन देने के लिए। फिर बजट 2019 में लिए गए रॉन्ग पॉलिसीज के कारण ओवरऑल डिमांड कम हो गई, जिसका नतीजा हमें आज देखने को मिल रहा है। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ऑटो सेल्स के डाउन होने का रीजन ओला और उबर को बताया। पहले जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने इसको जब इंटरनेट में सर्च किया तो मुझे जो मिला वो शॉकिंग था। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM 2019 के एनुअल कन्वेंशन में एशिया के रिचेस्ट बैंकर, जो बहुतों को नहीं पता कि एक इंडियन है, उदय कोटक ने यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ओला और उबर भी एक रीजन है इंडियन ऑटोमोबाइल के स्लो डाउन होने का। इस बात पे इनको किसी ने ना गाली दी ना पेड एजेंट बताया। पेड एजेंट बताएगा भी कौन, $12.5 billion की तो नेटवर्थ है। पर यहां मैं सीतारमन जी का साइड नहीं ले रहा हूं, उनको और उनकी टीम को कुछ करना ही होगा, वो भी बहुत जल्दी। सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले GST रेट को कम करना होगा, उससे प्राइस कम होगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम होगा, पर उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। NBFC क्राइसिस को ठीक करना होगा, जिस तरह पब्लिक बैंक को 70,000 करोड़ रुपए दिया जिससे मार्केट में पैसा आए, उसी तरह NBFC को भी कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि NBFC सेक्टर पब्लिक बैंक से ज्यादा अच्छी सर्विस देता है, उससे मार्केट में पैसा आएगा और लोग फिर से लोन और EMI के थ्रू गाड़ी खरीदने लगेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर से इंडियन ऑटो सेक्टर राइस करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम और इश्यू सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से BS6 इंजन की कार आ जाएंगी मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस होगा देश में, जिससे ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगी। पर यह तब पॉसिबल होगा जब मार्केट में लिक्विडिटी इशू सॉल्व नहीं हो जाती। जैसे ही लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको यह देखने को मिल जाएगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो बनाई है, जैसे कि दो देशों के रिलेशन के बारे में बताया है कंट्री रिलेशन वीडियोस में, बहुत से देशों की इकोनॉमी के बारे में बताया है कंट्रीज इकोनॉमी वीडियो में, भारत के बहुत से स्टेट की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में बताया है इंडियन स्टेट इकोनॉमी वीडियो में, और बहुत से देशों को कंपेयर भी किया है डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू कंपैरिजन वीडियो में। आप इन चारों प्लेलिस्ट को देखिए, शायद आपके लायक कोई वीडियो हो जिसे आप देखना चाहें। पर हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।